नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट राइट अवे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके खास कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। न्याय पाने की राह अक्सर लंबी और मुश्किलों भरी ही होती है, लेकिन जब स्वयं न्यायाधीश ही उस न्याय की राह में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए लोगों के बीच पहुंच जाए, तब आप क्या कहेंगे? इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इस अमृत महोत्सव को कुछ इस तरह मना रहा है, जिससे न्याय की लंबी लड़ाई का रास्ता आसान और छोटा बनाया जा सके। सर, हमारे यहाँ समय समय पर लीगल एड कैंप कराए जाते हैं। इसमें जो माननीय जिला जज आए थे, इसी के तहत विधिक साक्षरता को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हापुड़ के माननीय जिला जज राजीव भारती, एडीजे मृदुल दुबे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी व सीजे एसडी लवली जायसवाल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सौम्या भारद्वाज और सिविल जज जूनियर डिवीजन अरुण कुमार हापुड़ की मुनाड यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जिनके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन से की गई। जिसके बाद माननीय जिला जज महोदय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कि एक बार आप उस केस को प्रेजेंट करने से पूर्व पहले अपने दिमाग से सोचे और अगर कोई आप समझाने वाला नहीं है तो ऐसे भी जिला विधिक साक्षरता जिला की अगर आप मदद ले सकते हैं, वहां पर आपको निःशुल्क ये सहायता उपलब्ध रहेगी। एडीजे मृदुल दुबे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सौम्या भारद्वाज और अरुण कुमार द्वारा भी छात्रों को संबोधित करते हुए विश्व विद्यार्थी दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। विधिक साक्षरता पर बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी व सीजे एसडी प्रथम लवली जसवाल द्वारा भी कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण है वो अभी जो हमारी जयसवाल मैडम थी उसकी अध्यक्ष हैं, और ये काम इस तरह से करता है क्योंकि एक तो यहाँ पर जो कार्य होता है वो बिल्कुल निशुल्क होता है। आज का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक मुहिम के तहत था, जिसमें जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को विधि के बारे में, लीगल एड्स के बारे में जागरूकता का कैंपेन थी, जिसको कि मोनाड विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने पूरी तरह से समर्पित हो करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लोगों को विधिक रूप से जागरूक करने के लिए प्रेरणा दी तथा लोगों को जागरूक बनाया। सर, आज अब्दुल कलाम जी की जयंती, तो इस मौके पर ही देखिए, उनका जीवन एक स्टूडेंट की तरह हमेशा रहा और उन्होंने प्रेरणा स्रोत रहे वो, तो इस प्रेरणा में स्पेसिफिकली विधि के लिए जो उन्होंने टिप्स दिए थे उनको क्रियान्वित करने के लिए ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा आवश्यक है, और इस प्रोग्राम से विधि विशेषज्ञों द्वारा समाज को जागरूक किया गया। नहीं, ये तो पॉजिटिव स्टेप है, जो जुडिशियरी है वो लोगों के बीच में आए, और जुडिशियरी कोई हवा नहीं है, ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सिस्टम का पार्ट है, और वो लोगों के बीच में आकर के लोगों के बीच एक उन्होंने रिलेशन बनाया है जिससे लोगों को भय दूर होगा और वो और ज़्यादा उसका उपयोग कर पाएंगे। मैं वाइस चांसलर मोनाड यूनिवर्सिटी के होते हुए, मेरा विधिक डिपार्टमेंट
और ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, आसपास के गांवों में कैंप करता है और विधि के रूप में उनको जागरूक करता है तथा ये भी बताता है कि गरीब लोगों को फ्री विधिक सेवा और विधिक जागरूकता और विधि के रूप में स्पेशल जो सहायता चाहिए वो प्रदान करता है। साथ ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फूलराज त्यागी ने भी प्राधिकरण की कार्यशैली को विस्तार से छात्रों को बताया। अध्यक्ष या मुख्य दंडाधिकारी एवं